और बड़ी खबर, शाम को 7:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। ये बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर। शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि प्रधानमंत्री ने 1.5 लाख वोटों से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर ली है और इसको लेकर भी तमाम कार्यकर्ता काफी खुशी मनाते हुए बनारस में नजर आ रहे हैं। और वाराणसी को लेकर भी अक्सर कहते हैं प्रधानमंत्री मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बीजेपी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं 7:30 बजे, अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनमें जोश भरने का काम करेंगे क्योंकि कार्यकर्ता भी जबरदस्त तरीके से जोश में नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी की तस्वीरें और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी, ये जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है और ये नितिन गडकरी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। और 7:30 बजे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है, बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी। और फिलहाल जो टैली का स्कोर है वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से 261 सीटें एनडीए जीत चुका है और 239 बीजेपी और 290 फुल एनडीए का स्कोर अब तक इंडिया अलायंस, 235/18 ये यहां पर फिगर अब तक टैली में यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो ये 7:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन बीजेपी दफ्तर से होगा। 7:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और मंडी से जीत गई है कंगना रनौत, क्या कुछ कह रही है सुनिए। बहुत भावुक हूं इस वक्त और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी वो, तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। के बाद क्या बदलाव होता है मंडी में, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज जिले की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को करारी शिकस्त दे दी है। और इलाहाबाद लोकसभा सीट पर 40 साल बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने यह जीत दर्ज की है। इससे पहले 1984 में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर जीत दर्ज की थी। पर 40 साल बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उज्जवल जी, सबसे पहले आपको न्यूज 18 की ओर से बधाई, आपने बड़ी धमाकेदार जीत दर्ज की है, कितना विश्वास था इस जीत को लेकर और किस तरह से मेहनत की थी? निश्चित तौर से प्रयागराज की देवतुल जनता पर विश्वास था, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनकी मेहनत के बदौलत आज ये दिन आया है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ का टिकट देकर लड़ाने का। और कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो 50 साल का जो राजनीतिक जीवन और लोगों की सेवा की है, जिसके बदौलत आज ये दिन आया है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दिल की गहराइयों से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिना इनके ये सारी चीज़ें मुमकिन न होती। कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने इस जीत का रास्ते को तय किया? देखिए, मैंने शुरू से एक बात कही है कि जनता ने इस चुनाव को लड़ा है और ये आज के रिजल्ट में साबित हो गया। ये उज्जवल रमण सिंह की जीत नहीं, प्रयागराज की जनता की जीत है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का पूरे उत्तर प्रदेश में बोलबाला है, निश्चित तौर से राहुल गांधी के न्याय और अखिलेश यादव का पीडीए जीत रहा है और इसके बदौलत ये जीत संभव हुई है। अच्छा, बात अगर करें तो आपके पिता कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने 2004-2009 में सीट पर जीत दर्ज की थी, एक बार फिर से वो विरासत आपको मिली है, आगे की क्या तैयारी है, अब किस तरह से जनता की सेवा में जाएंगे? निश्चित तौर से बड़ी अपेक्षाएं हैं जनता की, लेकिन मैं भगवान से बस यही प्रार्थना। और बड़ी खबर, मोहनलालगंज लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं।
एसपी प्रत्याशी आर के चौधरी करीब 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। आर के चौधरी ने अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। मोहनलालगंज से इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आर के चौधरी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से अजय बढ़त बना चुके हैं। लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हैं और हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए खड़े हैं। तो क्या लगातार क्या एनडीए में भी एक आपका बयान और भी आ रहा है कि जो राष्ट्रवादी होंगे वो इंडिया से इंडिया में आएंगे, इस तरीके से क्या? मैंने कहा ना कि जो जो संविधान को बचाने की बात करेगा, जो आज बेरोजगारी को दूर करने की बात करेगा, महंगाई को कम करने की बात सोचेगा, वो जरूर इंडिया गठबंधन के साथ आएगा, क्योंकि तो कॉरपोरेट की सरकार है। कॉरपोरेट में जो वहां से आदेश होगा अडानी अंबानी का। और बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी शाम 7:30 बजे। पीएम मोदी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी शाम 7:30 बजे। पीएम मोदी दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जाहिर तौर पर ये आज सुनना होगा कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मैंडेट मिला है उसके बाद क्या मैसेज दिया जाता है।